एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है, ज्ञान की उंगली का छोटा रह जाना कभी ना कभी नुकसान देता है। ऐसे लोग अपनी जिंदगी में जो भी फैसले लेते हैं उसमें से 12% इनके द्वारा लिए गए फैसले गलत होते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है तो टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज करने में दिक्कत आती है, लेकिन मनी मैनेजमेंट इनका काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है, खर्चीले कम होते हैं, मनी मैनेजमेंट शानदार रहता है, आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। लिटिल फिंगर जब लो सेट रहती है तो ये लोग अपनी बातों को या किसी भी घटनाक्रम को, सिचुएशन को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। मान के चलते हैं जब ये छोटे होते हैं, बाहर जाते हैं, कोई झगड़ा हो गया किसी से, घर वापस आए, फैमिली के लोगों ने पूछा कि मैटर क्या है, क्या हुआ था, उस वक्त जो मोमेंट आता है एक्सप्लेन करने का उस घटनाक्रम को, ये सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, शब्दों का अभाव रह जाता है, जिस वजह से फैमिली के लोग इन्हीं गलत समझ बैठते हैं। इन्हीं गलत फहमियों की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से फैमिली से दूरी कायम हो जाती है। अंगूठा काफ़ी स्ट्रांग है, प्लानिंग ठीक ठाक बना लेते हैं, इम्प्लीमेंट बहुत अच्छे से कर पाते हैं, ज़िद्दी होते हैं क्योंकि अंगूठा स्ट्रेट है, मिलनसार स्वभाव, ये अंगूठा नहीं देता, अपने हितों की रक्षा करनी जानते हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर इनका बिल्कुल भी नहीं होगा। ये वाला सिरा जो भारी रहता है तो इन लोगों के अंदर गुस्सा खूब होता है, अगर गुस्सा आ गया तो शांत होने में काफ़ी वक्त लग जाता है। तीन उंगलियों का आधार लगभग एक समान है, बेस लगभग एक समान है, समझदार होते हैं, सही समय का फायदा उठाना जानते हैं। हॉटलाइन इनकी इनिशिएट हुई है सैटर्न से, पैसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनके लिए, फैमिली उसके बाद, पैसा पहले आता है, फैमिली उसके बाद आती है, थोड़े से सेल्फिश होते हैं। सिंगल लाइन की हार्ट लाइन है, सफलताएं खूब मिलती है इन्हें, लेकिन डार्क है तो झंझट जीवन में लगे रहते हैं। माइंड लाइन और लाइफ लाइन काफी वक्त तक बंधन योग से है, उसके बाद बंधन योग से मुक्ति जब मिली तो माइंड लाइन इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है जुपिटर से। मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं जब जुपिटर से माइंड लाइन और लाइफ लाइन दोनों इनिशिएट होता है, क्योंकि ऐसे लोगों की सोच काफ़ी पॉजिटिव होती है, सपने वही देखते हैं जिन्हें पूरा करने कदम रखते हैं, अनावश्यक ध्यान भटकता नहीं है, अपनी क्षमताओं का आकलन बिल्कुल सही तरीके से कर पाते हैं, इन्हें पता होता है कि किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, उसी फील्ड में फोकस रहते हैं और कम आयु में अधिक सफलता इन्हें मिल जाती है। माइंड लाइन जब इस तरह से नीचे की तरफ झुक जाता है अचानक से, तो एक वक्त ऐसा आता है जब इन लोगों की आस्था भगवान की तरफ कुछ ज़्यादा ही होती है, जब नीचे की तरफ ढला लेता है और जो परम शक्ति है, इन्हें कभी कभी एहसास भी होता है कि वो हमेशा मेरे साथ हैं या मेरे साथ चल रहे हैं, इनको अभी भी होता होगा, जिनकी भी हाथ की रेखा या माइंड लाइन इस तरह से झुकती है उन्हें परम शक्ति का आभास होता है। जुपिटर से स्टार्ट हुई है तो मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो रही हैं, और गोलाई में जब लाइफलाइन को, विनस माउंट को लाइफलाइन घेरता है तो जॉब करते हैं ऐसे लोग, गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, प्राइवेट सेक्टर, समाज सेवा या फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो फील्ड जाता है उस फील्ड में ही अच्छा करते हैं। केतु के माउंट से इनिशिएट होता हुआ दिख रहा है लक लाइन, बचपन, ये लोग जो पैदा होते हैं जिस परिवार में, अच्छे खासे परिवार में पैदा होते हैं, खाने पीने की दिक्कत नहीं रहती, बचपन अच्छा गुजरता है इन लोगों का। इनके पांव को देख करके मुझे लग रहा है, मुझे ये नहीं पता ये अभी कौन से जॉब में है, लेकिन इफ अगर इन्होंने गवर्नमेंट जॉब अगर नहीं है, कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे हैं तो इनको ट्राई कभी करना चाहिए था, इनके पाम में है साइन गवर्नमेंट जॉब के। ये लक लाइन यहीं पे ख़त्म हो गई जो केतु से स्टार्ट हुई थी,
और एक नई लक लाइन माइंड लाइन से इनिशिएट हुई है। माइंड लाइन से लक लाइन का इनिशिएट होना बताता है कि भाग्योदय जो है वो 35 के बाद ही ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत बेहतर कर पाते हैं 35 साल के बाद। जुपिटर का माउंट शिफ्ट हो गया है राहु और शनि की तरफ, तो फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ, बच्चों के साथ रिलेशन कोई भी अच्छा रहने वाला नहीं लग रहा है मुझे। जब जुपिटर का माउंट केतु राहु की तरफ चला जाता है तो इनकी जो लाइफ पार्टनर होते हैं या बच्चे होते हैं उन्हें लगता है ये सेल्फिश हैं, स्वार्थी हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी खुशियों का ख्याल रखते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते। लेकिन रियल बात ये होती है कि ये अपनी लाइफ पार्टनर से, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं लेकिन उसको बताते नहीं हैं, एक्सप्लेन नहीं करते हैं, मन ही मन रखते हैं। तो मन ही मन जब बात होती है, बिन मांगे तो भगवान भी नहीं देता, तो इंसान कैसे समझेगा, वो वाला फार्मूला यहाँ पे लागू होता है। तो जब मन में रखते हैं तो मन में ही रह जाता है, सामने वाला समझ नहीं पाता और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दूरियाँ कायम हो जाती हैं। यहाँ पे हल्का सा भी दबाव बनता है तो लोन की समस्या, कर्ज की समस्या रहती है, सुबह उठना आपको अच्छा नहीं लगता है। सन माउंट भी हल्का सा दब गया है तो शुरुआती दिनों में संघर्ष देखना होता है। ऐसे भी बंधन योग हैं, अगर ये बिजनेस वाली फैमिली से बिलोंग नहीं कर रहे हैं तब तो संघर्ष वाला दौर इनका स्टार्टिंग पीरियड में रहा होगा और सफलता थोड़ी देरी से मिलती है, अधिक संघर्ष करवाती है। सन माउंट जब इस तरह से झुकता है, बोलने की कला में उतने माहिर नहीं होंगे आप, अपनी बातों को सही तरीके से नहीं रख पाते होंगे क्योंकि लो सेट हैं लिटिल फिंगर, लेकिन हीलिंग कैपेसिटी आपकी बहुत अच्छी है। आप लोगों की प्रॉब्लम को समझते हैं, अच्छे से समझते हैं, इसीलिए सॉल्यूशन बहुत सटीक देते हैं। आपके यहाँ सन माउंट के नीचे मिस्टिक क्रॉस बन रहा है। अब सन माउंट के नीचे मिस्टिक क्रॉस का बनना, देखिए मिस्टिक क्रॉस का अलग अलग रूप होता है और वो डिपेंड करता है कि वो किस माउंट के नीचे बन रहा है। जिस माउंट के नीचे बनता है उसके गुणों को अपनाता है। अब सन माउंट के नीचे ये बन रहा है तो आपको प्रसिद्धि, फेम, नेम, पैसा अप्रत्याशित देगा, ये बहुत देगा। और साथ ही एक वक्त ऐसा आएगा, चूँकि आपकी माइंड लाइन नीचे तब झुक रही है, आपको कोई भी कुछ भी अच्छा या कुछ भी बुरा होने से पहले, अभी पता नहीं आपको आभास है कि नहीं है, थोड़ा बहुत आपको अंदेशा या आभास हो जाएगा इस मिस्टिक क्रॉस की वजह से। काफ़ी शुभ है आपका पाउंड। सन माउंट पे ट्रायंगल है तो मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं, सन लाइन पे ही है और स्क्वायर भी हैं तो इनकम के कई सोर्स होते हैं। अगर 2-3 स्क्वायर होते हैं आपके पाँव में भी 2 स्क्वायर तो हैं। नेशनल, देखिए फेम का साइन मुझे उतना क्लियर समझ में नहीं आ रहा है पाम में, इसीलिए कुछ भी कहना मुझे सही नहीं लग रहा। जो जो साइन मुझे क्लियरली दिख रहे हैं मैं उसी के बारे में बात करूंगी। मुझे आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के साइन तो लगे, बाकी आप गवर्नमेंट जॉब में है कि नहीं है या फिर नहीं है तो जाना चाहिए था, और अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो उसके बाद बिजनेस का साइन काफ़ी स्ट्रांग है क्योंकि वो यहाँ से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फॉरेन ट्रिप होंगे आपके काफ़ी, इनर मास उतना अच्छा नहीं है आपका और इस पर ये लाइनें भी हैं राहु की। इम्यूनिटी सिस्टम बहुत बढ़िया आपका नहीं रहने वाला है, खान पान का आप ध्यान रखिए और हेल्थ को लेके सजग हो जाइए। इस तरह से वह बहुत बुरा भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत बड़ी हेल्थ की इश्यूज़, नहीं नहीं आपको वो सब फेस नहीं करना होगा, लेकिन फिर भी अपना हेल्थ है भाई, क्यों ना अच्छा किया जाए, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। जब इस तरह से राहु की लाइन काटती है तो कोई ना कोई इश्यूज़, जैसे सीज़न चेंज हो गया तो जुकाम जल्दी पकड़ लेता है या फीवर या कुछ बाहर का खा लिया तो हजम होने में दिक्कत, ये सारी प्रॉब्लम रहती है, इसीलिए हेल्थ का ध्यान रखिए, बाहर खाना पान ज़्यादा मत करिएगा। लग्जरी की सभी चीज़ें होंगी और लग्जीरियस लाइफ के तरफ एडिक्शन भी है आपका, उसके बिना आप रह भी नहीं सकते। देखिए कभी भी शेयर मार्केट में पैसा मत लगाइएगा, डूबने के चांस बनेंगे आपके, क्योंकि यहाँ पर ये जो केतु का माउंट है ये दबा हुआ है और दबा हुआ केतु का माउंट पैसे को ले डूबता है अगर स्टॉक मार्केट में आप लगाते हैं तो। मून माउंट जब नीचे की तरफ झुक जाता है, स्पेस ले लेता है, तो
कुछ साल कुछ वक्त ऐसा आता है लाइफ में जो संघर्ष में बीतता है, 4 साल 5 साल, लेकिन ये लाइफ की किसी भी फेज़ में आ सकता है, इसका कोई सेट नहीं है कि इसी फेज़ में आएगा। अगर आ चुका है तो फिर ठीक है, अब नहीं आएगा, लेकिन एक ही बार इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। इन आवाज़ ठीक है आपका, बहुत अच्छा भी नहीं है बहुत बुरा भी नहीं है, लेकिन बढ़िया है, एनर्जी लेवल ठीक होगी आपकी। निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं ऐसे लोग। अब एक काम करते हैं, इस वाइज कैलकुलेशन बिठाते हैं, देखते हैं आपकी लाइफ में कब कब क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ऐसे अगर इस पिक को देखा जाए, बहुत अच्छी पिक है ये। इस तरह की पिक जब आती है तो बड़ा मन खुश हो जाता है, क्योंकि एनालिसिस करने में मज़ा आता है, आपको चीज़ें दिखती हैं, समझ में आती हैं। देखिए आपके हाथ में नेशनल फेम भी है और छोटा सा इंटरनेशनल फेम भी है, तो विदेश जा कर के बड़ा बिजनेस तो नहीं खड़ा कर पाएंगे आप, लेकिन फॉरेन से इनकम के चांसेस बन रहे हैं आपके, अच्छे खासे बन रहे हैं। बिजनेस करिए आप, फॉरेन से इनकम आएगा, बहुत नहीं आएगा लेकिन आएगा। छोटा सा फिश का संग बन रहा है, इंटरनेशनल फेम है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन है। इस वाइज कैलकुलेशन बिठाते हैं और देखते हैं क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। जब आप 17 साल के थे तब कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ आई होगी आपको, आप पता करना, क्योंकि आपकी लाइफ लाइन यहाँ पे मुझे इस पिक में यहाँ पे मिटती हुई दिखाई दे रही है, तो कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ तो उस एज में आपको आया होगा। 18 में लाइफ को नई दिशा मिली है, लेकिन राहु की लाइन ने उससे जस्ट पहले काटा है तो इश्यूज़ भी आए होंगे। फिर 19 में राहु की लाइन ने काटा, 20 में जीवन को नई दिशा मिलती हुई दिखाई दे रही है, 22 में अगेन लाइफ को नई दिशा मिलती हुई दिखाई दे रही है, 24 से जीवन एकदम से पटरी पे आ गई है, ट्रैक पे आ गई, दिशा मिल गई, और अब देखते हैं कि उस ट्रैक पे आने के बाद आगे का सफ़र कैसा है आपका। ये 24 एंड हाफ लेके चलते हैं इसे। देखिए 1 ईयर 6 मंथ का डिफरेंस आता है, प्लीज़ आप उसको ध्यान में रखते हुए मेरे एनालिसिस को सुनिएगा। 26 में भी कोई ना कोई इशूज़ आया है, और 28 में या तो इशूज़ आया है या फिर शादी हुई है, नहीं 28 नहीं है, हाँ 28 में नहीं, 27 में या तो कोई इश्यूज़ आया है या फिर शादी हुई है आपकी। ट्वेंटी नाइन इश्यूज़ हैं, और 31 में ऑफशूट बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। ये 29 का कट है और ये 30 का ऑफशूट है, 30 में कोई ना कोई खुशी, 29 में इश्यूज आए हैं। थर्टी वन में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आया होगा, 34 में ज़बरदस्त कट है, बड़ा इश्यूज, कोई ना कोई बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ होगा 34 में। 35, 36 के आसपास मुझे ऑफशूट बनता दिख रहा है, नहीं 35 में ही ऑफशूट बनता दिख रहा है, 35 में ऑफशूट है, 34 में प्रॉब्लम, 35 में ऑफशूट, 36 में छोटे छोटे कट्स हैं, 38 में अगेन कट आ गया, इश्यूज हैं, और 40 से लाइफ को नई दिशा मिलती हुई दिखाई दे रही है, लाइफ एकदम से ट्रैक पे आती हुई दिखाई दे रही है 40 से। 42 में अगेन कट है, प्रॉब्लम है, लेकिन 40 का जो ये चेंज है ये बहुत पॉजिटिव चेंज है, ये एकदम से जैसे 180 डिग्री पे लाइफ का घूमना होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से आपकी लाइफ 180 डिग्री पे घूमती हुई दिखाई दे रही है। होता ये है कि जब आपकी लाइफ लाइन यहाँ पर एंड हुई और इनर पार्ट से मान लीजिए नई लाइफ लाइन इनिशिएट हो रही है, ये आप समझ जाएंगे, ये लाइफ लाइन आपकी पहले से चली आ रही है, ठीक है, अब यहाँ से क्या हो रहा है, एक नई लाइफ लाइन आगे की तरफ बढ़ी। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि आपकी स्थिति पहले से बुरे दौर में जा रही है जब इनर पार्ट से लाइफ लाइन इनिशिएट होता है, लेकिन आपके पाम में क्या है, लाइफ लाइन पहले वाली यहाँ पिंड हुई
और नई लाइफलाइन यहाँ से इनिशिएट हुई। जब बाहर की साइड से लाइफलाइन इनिशिएट होती है तो बड़ी खुशी देते हुए नई जिंदगी की शुरुआत करती है। तो 40 में कोई बड़ी खुशी आपको मिलने वाली है। 42 में कट है, मे बी कट भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, नहीं ये इश्यूज वाला कट है क्योंकि डबल क्रॉस लग रहा है। 42 में प्रॉब्लम आता हुआ दिख रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट ये नहीं देगा आपको। 44 में ऑफशूट है, 47 में ऑफशूट है लेकिन उससे पहले कट है। 49 के आसपास कट आ रहा है, 50 में कट है, प्रॉब्लम है। 51 में ऑफशूट है, नहीं 52 में ऑफशूट है, 55 में ऑफशूट है, 58.5 में ऑफशूट है। मेन इश्यूज जो हैं आपके लाइफ में वो देखिए, 40 से आपकी लाइफ ट्रैक पे आ रही है, ठीक है। उसके बाद कुल मिलाकर के दो प्रॉब्लम हैं, दो नहीं एक ही मान के चलिए, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन वो जो 42 का इश्यूज़ है वो मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। मैं देख लेती हूँ है क्या ये 40 का जो इश्यूज़ है, 42 का वो कोई मेज़र नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं पे पैसा आप लगाएंगे वो लॉस होने के चांस बन रहे हैं, बस यही है, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं मुझे शो होता हुआ दिख रहा है। बाकी उसके बाद 40 के बाद से आपकी लाइफ काफ़ी स्मूथ है, लेकिन इतना मैं कहना चाहूँगी कि 40 से पहले आपने काफ़ी संघर्षों से भरा जीवन देखा है, क्योंकि आपकी माइंड लाइन पे इतना दबाव बनता दिख रहा है कि एक पल भी ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है इस बीच में कम से कम ये 34 से लेकर के 39 तक का जो टाइम पीरियड है, 33-34 से लेकर के, इसमें तो बिल्कुल भी आपको चैन नहीं मिला होगा। लेकिन 40 से लाइफ काफ़ी अच्छी हुई, बेहतरीन होती हुई दिखाई दे रही है आपको, और माइंड लाइन भी आपका यही कह रहा है, बहुत ही पॉजिटिव चेंज है। जो जो साइन मुझे जैसे से दिख रहे हैं मैं बता रही हूँ, क्योंकि बाद में क्या होगा कहीं मैं भूल जाऊँगी तो फिर मुझे पछतावा होता है कि मैंने ये साइन नहीं बताया। आपकी जो मैरिज लाइन है वो हल्की सी नीचे तक झुकती हुई दिखाई दे रही है, ऐसे जो हल्की सी झुकती है, अब देखो ऐसे नहीं पूरा ऐसे हो गया, हल्की सी है। लुक वाइज ऐसे जो लाइफ पार्टनर होते हैं बहुत अच्छे होते हैं देखने में और काफ़ी सपोर्टिव होते हैं, बहुत लकी होते हैं ऐसे लोग जिनके पास में इतनी अच्छी मैरिज लाइन होती है। आपका मूलांक 2, भाग्यांक 1 है। मूलांक क्या होता है, किसी भी साल के किसी भी मंथ के जिस डेट को आप पैदा हुए उस डेट को डबल डिजिट में है तो प्लस करके सिंगल बनाइए, और वो जो सिंगल डिजिट सामने आएगा वो आपका मूलांक होता है। भाग्यांक क्या होता है, जिस साल के जिस मंथ के जिस डेट को आप पैदा हुए उन सबको प्लस कर दीजिए, प्लस करने के बाद जो डबल डिजिट आएगा उसको फिर से प्लस करिए, और फिर से प्लस करने के बाद जो सिंगल डिजिट आएगा वो आपका भाग्यांक होता है। आपका मूलांक 2, भाग्यांक 1 है। मूलांक 2 के स्वामी चंद्रमा है, तो चंद्रमा आपकी आपको रूल करते हैं, चंद्रमा के अंदर जो गुण हैं वो सभी आपके अंदर पाए जाते हैं। अत्यधिक शांत होते हैं ऐसे लोग, मन से बहुत सुंदर होते हैं जिन्हें चंद्रमा रूल करता है। कभी कभी कल्पनाओं में खोए रहना इन्हें अच्छा लगता है, जो दिल में आता है वो जबान पे रहता है, दिल में कुछ भी छुपा कर रखने वालों में से ये नहीं होते हैं। खर्चीले होते हैं, कभी कभी क्या होता है ऐसे तो कॉन्फिडेंस लेवल इनका काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन कुछ नेगेटिव सिचुएशन हो गया या इन्होंने किसी काम में अपना 100% दिया बट सामने वाले ने क्रेडिट खुद ले लिया, इनको नहीं दिया, तो उस वक्त डिप्रेशन आ जाता है, इन्हें निराशावादी हो जाते हैं, ये कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा लो हो जाता है। लेकिन कोई नहीं, दूसरा अंक आपका 1 है तो ये इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करता हुआ दिख रहा है। अब 1 है तो सूर्य इसको रूल कर रहे हैं, सन रूल कर रहे हैं, तो सन के सभी गुण इनके अंदर पाए जाते हैं। आत्मविश्वास से भरे हुए रहते हैं ये लोग, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती ज़िंदगी में, नेतृत्व क्षमता कमाल की रहती है, कार्यकुशल होते हैं, जिस भी क्षेत्र में रहते हैं अपनी मेहनत से अपनी समझ से समझदारी से नंबर वन की कुर्सी पे पहुंच जाते हैं। एक वक्त ऐसा होता है ये जिस फील्ड में होते हैं उस फील्ड के सभी लोग, काफ़ी पुराने लोग भी इनके बताए हुए आइडियाज़ को फॉलो करने लगते हैं, इतनी अच्छी तरह से ये इनको नॉलेज रहता है, क्योंकि मेहनती होते हैं, ऊर्जावान रहते हैं, और किसी के अंडर में रह के काम करना इन्हें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सूर्य है सन है तो आज़ाद
रहना ही नहीं अच्छा लगता है, अपने हिसाब से चलना, और जहाँ भी रहते हैं अपनी एक अलग छवि बना के रखते हैं। ये तो 2 और 1 का यहाँ पे आंकड़ा बनता हुआ दिख रहा है, 2 और 1। 2 और 1 का जब आंकड़ा बनता है, या ऐसे भी हम कह सकते हैं 1 या 2 का जब आंकड़ा बनता है, ये ऐसे होता है जैसे चंद्रमा और सूर्य की युति होती हुई दिखाई दे रही है। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि दिन और रात एक साथ आता हुआ दिख रहा है। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में अप्रत्याशित सफलता पाते हैं, बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ होती है इनकी। और अगर ये बिज़नेस करने की तरफ मूव करते हैं तो ऐसा बिज़नेस करें जो चंद्रमा और सूर्य दोनों से संबंध रखता हो। तो देखिए, चंद्रमा और सूर्य से सिर्फ पानी संबंध रखता है, तो पानी से संबंधित कोई भी काम, कोई भी बिज़नेस जिसका जिसमें पानी का कोई ना कोई रोल हो, कुछ भी पानी की आवश्यकता हो उस बिज़नेस में, तो फिर वो बिज़नेस आपको मुनाफा बहुत देगा। आपका काम बहुत अच्छा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छे हैं। अब आपके सवालों के जवाब देने का टाइम आ गया है, तो चलिए एक एक करके आपके सवालों के जवाब देते हैं। आपका जो बुढ़ापा होगा वो बहुत ही अच्छा बीतने वाला है, बहुत शानदार। देखिए, आप बच्चों के साथ रिलेशन में थोड़ी सी कमी तो आएगी, थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी। रीज़न ये है कि आप बुरे नहीं हैं, आप बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं अपनी फैमिली से, लेकिन वही है कि आप कह नहीं पाते हैं, कहना अच्छा नहीं लगता है, जताना अच्छा नहीं लगता है, और इस वजह से कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग तो रहेगी। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशन आपका बच्चों के साथ आगे चल करके बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपके माइंड लाइन पे मुझे कहीं भी प्रेशर लाइन बनता नहीं दिख रहा है। तो ऑब्वियस है कि लाइफ बुढ़ापा जो है आपका काफ़ी अच्छा बीतने हो जा रहा है। अभी हो सकता है कुछ खटपट हो, किसी बात पे राज़ी ना हो आपके बच्चे आपसे, लेकिन आफ्टर 55 सब ठीक हो जाएगा। देखिए, आपके बच्चे को जो भी इशूज़ हैं, अब बच्चे को इशूज़ हैं तो माता पिता के पाम में ऐसे साइन होता नहीं है, मैं क्लियरली बता दूँ आपको। लेकिन एक चीज़ होती है, जैसे आपका सवाल बहुत अच्छा था इसीलिए मैं आंसर कर रही हूँ, अदरवाइज मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे सामर्थ्य से बाहर की बात होती है कि किसी के हाथ को देखे बिना उसके भविष्य को बताना। लेकिन आपका जो माइंड लाइन है वो 40 के बाद से ठीक है, बहुत अच्छा है, बढ़िया है, स्वस्थ माइंड लाइन है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि अब आपको कोई भी अपनी बच्चों को लेकर के या कोई भी फैमिली इशूज़ आने वाला है, मुझे नहीं लग रहा कहीं से भी। अगर होता तो ऑब्वियसली प्रेशर लाइन बनता वहाँ पर, डार्क हो जाता माइंड लाइन, नहीं ऐसा, स्मूथ है। तो जो भी प्रॉब्लम है आपकी वो शॉर्ट आउट हो जाएगी बहुत जल्द, और 40 के बाद से आपकी नई लाइफ स्टार्ट होने वाली है, स्मूथ लाइफ बिल्कुल है। स्कोप बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा स्कोप है, मैंने बता ही दिया है आपको, 2 और 1 की युति बन रही है, तो बिज़नेस बिल्कुल आप जिस भी फील्ड में रहिएगा नंबर 1 की कुर्सी हासिल कर ही लीजिएगा, क्योंकि सक्सेसफुल होना आपके भाग्य में है, सक्सेस पाना आपके भाग्य में है। जिस भी फील्ड में रहेंगे सफलता आपके पीछे पीछे रहेगी। तो बिज़नेस वही कीजिएगा जहाँ पानी से संबंध जो चीज़ें रखती है, पानी संबंध मतलब ये नहीं कि आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिज़नेस कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जैसे समुद्र की यात्रा करके सामान भिजवाया जाता है ना बाहर, तो वहाँ पानी से कनेक्शन बन रहा है, तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाला काम भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। प्रॉपर्टी वगैरह सब बहुत ज़्यादा आने वाला है, बहुत बढ़िया से, क्योंकि बैक टू बैक ऑफशूट हैं आपके पाम में, और बड़े बड़े ऑफशूट हैं, तो प्रॉपर्टी तो काफ़ी रहने वाले हैं। फोर्टी के आसपास से आप बिज़नेस इनिशिएट कीजिएगा, और ऐसा बिज़नेस इस्टेब्लिश कीजिएगा जहाँ फॉरेन वगैरह से जिसका संबंध हो, क्योंकि फॉरेन से इनकम के चांसेस हाई हैं आपके पाम में। बिल्कुल आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिज़नेस कीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है, या आपकी खुद की समझ है, जो आपको अच्छा लगे आप वो करिए बिज़नेस में, लेकिन पानी से संबंध हो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और फॉरेन से इनकम वाला कोई ना कोई उसमें सोर्स हो, क्योंकि विदेशी धरती से पैसा आने के संकेत हैं आपके पाम में। आपका पाम बहुत अच्छा है, बाकी सभी सवालों के जवाब आपको मिल चुके हैं। अगर कोई सवाल रह गया होगा तो आप पूछ सकते हैं। किसी को भी अपनी पाम का एनालिसिस करवाना हो तो अपनी पाम की पिक जीमेल नहीं व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। आपका कोई सवाल रह गया होगा तो आप व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।